ऐसे लोग जिनको आप जानते ही नहीं हैं, लेकिन वो आपके जान के पीछे पड़े हैं। आज मैं जो फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पर बनी है। तो मूवी शुरू होती है 6 अक्टूबर 2002 को रोमानिया के एक सुनसान सड़क पर, जहाँ पर हम देखते हैं एक माँ और उसकी बेटी सैंडा को। सैंडा काफी आलसी थी और मेकअप करने में बिजी थी, इसलिए उसके पापा का फोन आया फिर भी उसने बात नहीं की। इस बात पर उसकी मम गुस्सा हो गई और सैंडा से झगड़ने लगी, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ आ गया जिससे उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और जाकर पेड़ से टकरा गई। लेकिन इन दोनों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इसलिए दोनों के दोनों बच गई। मॉम श्योर नहीं थी कि आगे क्या था, उसे लगा कि कोई जानवर होगा जो गाड़ी से भाग गया होगा। अब ये लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए सैंडा की मॉम गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर जाती है और सैंडा गाड़ी में ही रुकती है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम की आवाज नहीं आती, इसलिए सैंडा गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी मॉम को ढूंढने लगती है, लेकिन आसपास कहीं भी उसकी मॉम नहीं होती। सैंडा उसकी मॉम को ढूंढने के लिए जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन झाड़ियों में से किसी और की आवाज आती है, इसलिए सैंडा डर कर गाड़ी में छुप जाती है। वो फटाफट से अपना फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करती है, लेकिन लाइन बिजी होने के कारण पुलिस को फोन नहीं लगता। वहां पर बारिश भी शुरू हो जाती है और तभी इनकी विंडो पे कोई मिट्टी फेंक के मारता है, जिसे सैंडा डर जाती है और फिर उसकी गाड़ी की हेडलाइट भी तोड़ देता है। इससे साफ पता चलता है कि इसके साथ कोई खेल रहा है और वो एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा है। फिलहाल सैंडा सोचती है कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ इसलिए मैं सेफ हूँ, लेकिन उसकी सोच गलत निकलती है क्योंकि गाड़ी में भी कुछ मौजूद होता है। सैंडा जब तक समझ पाती बहुत ही देर हो चुकी होती है और गाड़ी के पीछे से कोई उसका गला घोट देता है और सैंडा को मार देता है। अभी उसके डैड से भी बात नहीं हो पाएगी और ना ही उसका मेकअप होने वाला है। आगे हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम क्लेमेंटिन होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पे जा रही है वीकेंड के लिए। वो उसी रोड से जा रही होती है जहाँ पर सैंडा और उसकी मॉम की गाड़ी क्रैश हुई थी। वहां पर पुलिस भी खड़ी होती है। वो उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए एक कच्चा रास्ता लेकर लुकस के घर पहुंच जाती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। लुकस का घर पुराना था, इसलिए उसके घर में अभी भी रिनोवेशन के काम चल रहा था। लुकस एक कंप्यूटर में वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन जैसे ही वो आई वो ऐसे दिखाता है कि वो बहुत ही बिजी है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं। फिर ये दोनों डिनर करते हैं और तभी रात हो जाती है। रात को ये लोग टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन तभी बाहर कुत्ता भौंक रहा होता है। लुकस को लगता है कि कुत्ते को भूख लगती है, इसलिए वो उसे खाना देने के लिए बाहर जाता है, लेकिन बाहर कुत्ता नहीं होता। लुकस उसे आवाज देता है तो वो झाड़ियों में से दौड़ता हुआ आता है। लुकस उसे खाना देता है और फिर दोनों करके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद लुकस ऊपर जाके सो जाता है और क्लेम नीचे ही काम करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर फोन आता है, पर फोन में कोई बोल नहीं रहा होता या फिर ऐसी आवाजें निकलता है जिससे कुछ पता भी ना चले। और फोन रखकर वो नहाने जाती है और नहाने के बाद वो सो जाती है, लेकिन रात को 4:15 बजे अचानक से उसकी नींद टूट जाती है क्योंकि बाहर से कोई आवाज कर रहा था। वो लोग उसको उठाकर दोनों बाहर चेक करने के लिए जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि क्लेम की कार को किसी ने दूर पार्क कर दिया होता है। लुकस बाहर जाना चाहता है लेकिन क्लेम उसे रोकना चाहती है, लेकिन लुकस उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी गाड़ी की हेडलाइट चालू हो जाती है। वो कार को पीछे करके वहां से हटा रहा था, लेकिन जैसे ही लुकस वहां पर पहुंचा वो कार को रिवर्स में पका ले गया। ये दोनों पुलिस को कॉल करते हैं और सारी बातें बताते हैं, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी होगा सुबह होगा। क्लेम को चिंता हो रही थी क्योंकि उसका सारा सामान गाड़ी में ही पड़ा हुआ था, उसकी आईडी, पैसे, सब कुछ। वो यही सोच ही रही होती है लेकिन तभी घर की लाइट चली जाती है। लुकस और क्लेम लाइट शुरू करने के लिए नीचे जाते तो है लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता, और तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर से कोई आदमी टॉर्च लेकर खड़ा है। ये दोनों को देख ही रहे होते हैं, लेकिन तभी बाहर के लोग घर के सारे विंडोज बंद कर रहे होते हैं ताकि बाहर का उजाला अंदर ना जाए, और अब इनका फोन भी काम करना बंद हो चुका है। ये दोनों डर कर घर के ऊपर वाले कमरे में छुप जाते हैं। तभी इनको ये भी पता चलता है कि बाहर जो कोई भी है वो घर में एंटर कर चुका है। ये दोनों सोच ही रहे थे कि आगे क्या करे, लेकिन तभी लाइट आ जाती है। अब छुप कर कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए लुकस बाहर जाता है और उसके जाते ही क्लेम उसका दरवाजा लॉक कर देती है। लुकस नीचे जाकर देखता है तो किसी ने टीवी ऑन कर रखा है। वो वहां जाकर टीवी को बंद करता है, लेकिन तभी उसके रूम की लाइट किसी ने बंद कर दी। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि इनके साथ कोई बहुत ही बुरा खेल खेल रहा है। लुकस के आसपास भी कोई था और ऊपर कमरे में भी कोई नॉक कर रहा था,
जिसके कारण क्लेम ने दरवाजे का हैंडल ही तोड़ दिया। वो दरवाजे के अंदर से बाहर झांकने की कोशिश ही कर रही होती है, लेकिन तभी बाहर से कोई नीडल फेंकता है और वो बाल बाल बच जाती है। इधर लुकस के पास एक रॉड थी जिसे वो अपने बचाव के लिए घुमा रहा था, लेकिन वो रॉड जाकर लगी दरवाजे के कांच को और वो कांच लुकस के पैर में धस गया। अब इंजर्ड हालत में वो धीरे धीरे किसी तरह ऊपर आ जाता है और एंड टाइम पर क्लेम दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले लेती है और वो बच जाता है। लुकस को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए क्लेम ने उसके टांग का कांच निकाल दिया और अपने टॉप से उसके घाव को भर दिया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। आगे हम देखते हैं कि बाहर वाले लोग इनके रूम का दरवाजा तोड़ने में लगे हैं और इसे डर कर ये दोनों बाथरूम में छुप कर बाथरूम का दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं। बाथरूम के छत पर एक रास्ता था जो ऊपर बालकनी में जाता था। क्लेम वहां पर जाकर देखती है तो बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन वो ये भी देखती है कि उनके अलावा यहाँ पर कोई और भी था। क्लेम ये देख कर छिप जाती है और धीरे धीरे वहाँ से निकल जाती है और वो निकल कर उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर घर की रिपेयरिंग का काम हो रहा था, लेकिन वो किलर यहाँ पर भी पहुँच जाता है और क्लेम पर बार बार हमला करने लगता है। क्लेम इससे बचते हुए उसे धक्का मारकर वहाँ से नीचे गिरा देती है जिसके कारण वो मर जाता है। अब जो कि नीचे गिर गया था उसके साथ ही उसे चेक करने के लिए आते हैं और ये देख कर ऊपर देखते हैं और क्लेम की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर क्लेम फिर से भागकर लुकस के पास पहुंच जाती है और मौके का फायदा देखकर वो कर को बाहर से बंद कर देती है, लेकिन वो किलर जल्द ही बाहर निकल जाएंगे और इसलिए ये दोनों भागकर जंगल में पहुंच जाते हैं। उनको एक फेंस पार करनी थी जिसे क्लेम ने तो कर लिया, लेकिन लुकस इंजर्ड होने के कारण नहीं कर पाया। अब लुकस को यहाँ छुपना होगा और क्लेम को मदद लाने के लिए बाहर जाना होगा। क्लेम वहां से भागती है लेकिन उसके पीछे वो किलर्स लग जाते हैं, लेकिन वो भागते भागते अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर भी वो किलर्स आ जाते हैं और क्लेम को पकड़ लेते हैं। इधर लुकस को भी बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था। वो जैसे ही बाहर निकलता है उसे क्लेम की आवाज़ आती है। वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाता तो है, लेकिन गाड़ी में वो क्लेम को लेकर भाग जाते हैं। लुकस उनका पीछा करते करते कार तक पहुंच जाता है, लेकिन कार में कोई नहीं होता। तभी उनमें से एक लुकस की ओर आता है, लेकिन लुकस एक लकड़ी लेकर उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। अब लुकस उसका फेस देखता है तो देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक बच्चा था और इनके लिए ये सब एक खेल था। यानी कि ये सब बच्चे हैं और इनको खुद भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। लुकस को वहां पर एक मेन होल में से क्लेम की आवाज आती है। वो वहां पर जाता है तो एक बच्चा क्लेम को टॉर्चर कर रहा होता है और दूसरा उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्चा नहीं रुकता। तब लुकस उसे मारकर क्लेम को वहां से छुड़ा देता है और उस बच्चे के साथ वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर और बच्चे भी आ जाते हैं। वो बच्चा इन दोनों की हेल्प करते हुए इन दोनों को ऊपर भेजने लगता है। क्लेम जैसे ही ऊपर जाती है वो बच्चा पलट कर लुकस को नीचे मार मार कर नीचे गिरा देता है और तभी वहां पर वो बच्चे आ जाते हैं और लुकस को उठा के ले जाते हैं। शायद ये इसका गेम था और इसलिए ये दोनों को अलग करके टॉर्चर करना चाहते थे। अब ये बच्चा क्लेम के पीछे पड़ता है और पीछे पड़ते हुए ये एक जगह पर फंस जाता है और क्लेम इसे देखकर मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी ये बच्चा रो देता है और कहता है कि तुम लोग हमें खेलने क्यों नहीं देते, हम तो सिर्फ खेल रहे थे। ये सिचुएशन को हम देखते ही जान पाते हैं कि इन बच्चों को इनके माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया और इनके लिए ये सब खेल है और दूसरे इनके लिए खिलौने। क्लेम तरस खाकर उस बच्चे को छोड़ देती है, लेकिन वो अब भी कमीना था और वो आवाज़ लगाकर दूसरे बच्चों को बुला देता है। क्लेम वहाँ से भागकर एक लाइट की ओर चली तो जाती है, लेकिन वो बाहर से बंद होती है। ये विंडो एक हाईवे की ओर खुलती है, लेकिन वो बंद होती है। बाहर से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही होती है। क्लेम अंदर से आवाज़ बहुत लगाती है, लेकिन बाहर कोई भी गाड़ी नहीं रुकता। आज़ादी के इतने पास आकर भी वो नहीं बच पाई और वो बच्चे उसे घसीटकर ले गए। इसके बाद वो चारों बच्चे जिनमें एक लड़के भी शामिल है वो जंगल में से निकलकर एक बस में बैठकर वहां से घर की ओर निकल जाते हैं। हमें पता चलता है कि पुलिस को क्लेम और लुकस की बॉडी 5 दिन बाद मिली और वो बच्चे भी छानबीन करने पर पकड़े गए और ये भी रिवील होता है कि उन बच्चों की उम्र 10 से 15 साल के बीच में थी। उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा था उसने ये रिवील किया कि वो इन सब के साथ खेल नहीं रहे थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप सबको लग रहा होगा कि बच्चे ये सब कर ही नहीं सकते, लेकिन अच्छी परवरिश ना होने के कारण और बचपन में माँ बाप का ध्यान ना रखने के कारण ये सब भी होता है। आखिरकार ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। लाइफ और मूवी में हर बार हैप्पी एंडिंग नहीं होती। अपनी दुनिया से बाहर निकल कर देखोगे तो पता चलेगा कि दुनिया
बहुत ही अजीब और बहुत ही बुरी है।